मेरा घर रोहिणी में, मैं दिल्ली से, मेरा 13 सेक्टर रोहिणी में। अच्छा, रोहिणी और ये फिर से हिमालय की वादियों में चारों तरफ। और ये भैया जी हमें मिल चुके हैं, हमारे साथ ही आए हुए हैं, तो अभी अचानक से मिले। तो भैया कैसा एक्सप्लेन कर रहे हैं आप यहाँ पे? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। तो ये जो कैनाल है यहाँ, ये अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है, तो हम लोग इसको देखने के लिए आए। यहाँ मेरे दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया। अच्छा हाँ मामा, ये जो नहर है करीबन 100 साल पुरानी है, आज भी देखो एक पत्थर नहीं हिला। नहीं हिल सकता, पर इंडियन कंस्ट्रक्शन का साला 5 साल बाद कोई गारंटी नहीं है। हाँ जी। तो पर उत्तराखंड के लोगों ने इसे जैसे संभाला, अपनी विरासत संभाल के। मैं नीचे से आया हूँ, प्लेन से हूँ जी, ठीक है, पर जैसे इन्होंने विरासत समझ के संभाल के रखा हुआ, आज भी अमेजिंग है। आप क्या बोलते हैं? ये इस देवभूमि का एक बहुत प्यारा मिश्रण है। अगर आपने ये चीज़ देखी है, आप थोड़ा सा घुमाइए इसे, आप थोड़ा सा घुमाइए, सामने देखिए, ये है कनव आश्रम, जहाँ पे ऋषि कनव जो पहले ऋषि हुए हैं, ये सामने गए जहाँ पे उंगली है। ये कनव आश्रम है हमारा, जिसे इंडिया कहते हो आप, भारत जी, यहाँ की रचिता यहाँ हुई है। राजा भारत को तैयार किया गया। ये इस जगह का जो मूल भाग, जो इस जगह की स्पेशलिटी कहते हैं आप, जिसे जिस जगह की वो खासियत वो ये है, यहाँ से इंडिया शुरू हुआ है। जहाँ पे आज हम खड़े हुए हैं, ये भारत, ये भारत को देने वाला ये यहाँ पे विरासत है।